आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जहाज का डीप फ्रीजर, ब्लू कलर का, मस्त है। अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ठीक है? आप देखिए सिंगल डोर में है, इसका अंदर का कंडीशन देखिए गाइज, मस्त है, न्यू जैसा ही लग रहा है अभी भी। और इसका जो मेन बात है, इसका जो डिजाइन है एक्रेलिक वाला, मैप जैसा ही कुछ है, आप देख सकते हो इसका डिजाइन एक्रेलिक में। तो ये है पैसेंजर जहाज का डीप फ्रीजर, और पूरा एसएस में है, और इसका उपयोग होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला कोई भी कर सकता है। ज़्यादातर ये नॉन वेज में चलता है, ठीक है गाइज। इसका अंदर का गैप देखिएगा, अंदर से पूरा जगह देखिए, इसका जो कवर कर सकता है इतना एरिया। तो गाइज ये आप देख सकते हो, ये है पैसेंजर जहाज का कॉल काउंटर, आप देख सकते हो गाइज, मस्त है। इसमें आप केक वगैरह और बेकरी वगैरह का आइटम रख सकते हो। आप देखिए नज़दीक से दिखाओ फिर भाई एक बार, मस्त है, ब्लू कलर और पूरा एसएस में और कास में। यहाँ से शुरू होने वाला है डीप फ्रिज, तो इसके बाद आपको जितना चाहिए उतना डीप फ्रिज भी मिल जाएगा। तो ये वाला देखिए गाइज, बड़ा वाला मैं खोलता हूँ एक इसको, ये भी जहाज़ का डीप फ्रिज है जो जहाज़ में आते हैं। तो दिलीप भाई, ये जो बड़ा वाला डीप फ्रिज है, इसका कितना कैपेसिटी होगा लीटर का, आपको अंदाजा है? 600 लीटर। ओके गाइज, आप देख सकते हो। तो इसका प्राइस क्या लगाते हो आप? 28,000 में आपको 600 लीटर का डीप फ्रिज मिलने वाला है, और हाइट भी मेरे ख्याल से 7-8 फीट है लंबाई में। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सारे डीप फ्रिज है यहाँ पे। ये वाला है डबल डोर का है, आप देख सकते हो, ये वाला डबल डोर का दिलीप भाई, ये भी बहुत बड़ा है। ये वाला 550 लीटर का है, और इसका प्राइस क्या है? 22,000। ओके गाइज, और यहाँ पे छोटा मोटा और फ्रिज है, कांच वाला, आप देख सकते हो। अगर किसी को जनरल छोटा वाला फ्रिज चाहिए, ये वाला कांच वाला, तो ये भी मिल जाएगा आपको। ये क्या है, फ्रिज ही है ना, जो वाइन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, शॉप वाला यूज़ कर सकता है, इसमें सोडा वगैरह, ठंडा पीना वगैरह, सास दूध वगैरह इसमें रह सकता है। तो इसका क्या प्राइस लगाते हो दिलीप भाई? 20,000। और यहाँ पे भी है, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। और आगाज अभी ये जो है, ये मेन डीप फ्रिज है, मेरे को अच्छा लगता है ये भी जहाज़ का, इसलिए अच्छा इसलिए लगता है। यहाँ पर आप एक्रेलिक का जो डिज़ाइन बनाया हुआ है वो आप देखिए, यहाँ पर ऊपर कास की तरह दिख रहा है, पर ये एक्लेरिक है, एक्लेरिक। और यहाँ पे देख सकते हो डबल डोर में है, क्या बात है। अंदर भी देख सकते हो इसका, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, कंडीशन मस्त है। तो दिलीप भाई, ये भी जहाज़ का है, ये ब्लू कलर का जहाज़ का है ना? ओके गाइज, इसका प्राइस है 20,000, और ये भी जहाज़ का है, मस्त है। इसके ऊपर एक्रेलिक का जो डिज़ाइन है वो भी मस्त है। और ये वाला भी आपको यही फ्रिज है, पर आपको यहाँ पे खाली का सिंगल डोर, मतलब सिंगल ये है डोर, इसका अंदर का सिस्टम देखिए कर, इसके साथ इतना कुछ आता है। ये भी वही प्राइस होगा जो हमें उसमें बताए, ये 18,000 का है, वो 20,000 का है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिज और है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते। ये वाला गोदरेज कंपनी का, तो इसका क्या प्राइस लगाते हो आप? 20,000। ओके गाइस, ये हमारे गुजरात वाले ज़्यादातर ले जाते हैं। अंदर भी देखिए गाइस, मस्त फ्रिज है, 20,000 का, 20,000 इसका प्राइस है। और ये वाला दिलीप भाई, मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को, सिंक को? काउंटर बोलते हैं, जो बड़े बड़े मिठाई वाले की शॉप है और कोई भी बेकरी वाला है उसका ये यूज़ करता है। मतलब ये भी जहाज़ का ही है, ये भी पैसेंजर जहाज़ में आता है गाइस, ये आप देख सकते हो, पैसेंजर में बहुत सारा ऐसे आता है। तो ये काउंटर का क्या प्राइस है बड़े वाले का दिल? 75,000। ओके, क्या बात है गाइज, मतलब हैवी भी है ये, मस्त है। वो सोकलेटी फ्रिज है जो अपने इंडियन है, ये भी जहाज़ में आता है, इंडियन जहाज़ का है ये वाला फ्रिज। तो इसका प्राइस है 12,000। ओके दिलीप भाई सामने है, तो इसका प्राइस है 12,000, क्या बात है। इसका कास देखिएगा, अभी भी रेडी है। और मैं आपको ये दिखाने वाला था अपने इंडियन कंपनी का ब्लू कलर का जो ये है ना फ्रिज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाला देखिएगा, ये इसका प्राइस है 15,500, पर अंदर देखिए अभी नहीं है, ये कंपनी से पूरा लोट आया हुआ है, तो हमारे गुजरात वाले ले जाते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गुजरात वाले ले जाते हैं।
तो गाइज आप लोगों को आज का ये वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज और डीप फ्रिज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, आपका मेन प्रश्न रहता है प्राइस के साथ, तो आप लोगों को सेट को भले ही ना दिखा पाए पर आपको प्राइस देखने को मिल गया है, आपको प्राइस तो जानने को मिल गया है, ठीक है। और गाइज अभी मैं आपके लिए गर्मी में मैं और हमारा कैमरामैन इतना मेहनत कर रहा है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मेरा कैमरामैन भी पूरा पसीना पसीना हो गया और गाइज मैं भी बार बार ऐसे कर रहा था। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना और प्लीज़ यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।